subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. स्टार प्लस के आपके फेवरेट सीरियल यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके पास। लेकिन इससे पहले बताएं आपको कि क्या कुछ हुआ बीते एपिसोड में, जहां पर एक तरफ देखने को मिला कि किस तरह से नायरा बहुत ज्यादा परेशान होती है जब नायरा को पता चलता है कि कायरव किसी शख्स से छुप छुप कर बातें करता है और उसको अपना पापा मान बैठा है। इस बारे में नायरा सोचती है कि आखिरकार कौन है वो शख्स जिसको कायरव पापा कहकर पुकारने लगा है। तो वहीं पर अब कायरव और कार्तिक का बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। कार्तिक भी कायरव से बहुत ज्यादा अटैच हो गया है और उसे कॉल करके बात करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है और उसको बता देता है कि मम्मा ने किस तरह से साहसी बनकर सभी गुंडों को मारकर भगा दिया। और ये बात सुनकर कार्तिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वहीं पर ये भी देखने को मिला कि नायरा बीते हुए अतीत में पहुंचती है और ये सोचने लगती है कि किस तरह से वो वापस गई थी गोयनका हाउस में, लेकिन वहां पर सभी ने उसको मरा हुआ मान लिया था। यहाँ तक कि कार्तिक मरी हुई नायरा से भी नाराज था, जिस बात को लेकर नायरा इमोशनल होती है और एक बार फिर से उसको कार्तिक के फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको आने वाले एपिसोड में अब देखने को मिलेगा कि किस तरह से नायरा पहुंचने वाली है मिस्टर डिसूजा के पास और डिसूजा से पूछेगी कि आखिरकार कायरव किससे बातें करता है, जिस बात को लेकर डिसूजा कहने वाला है कि अपने पापा से बातें करता है और अब आप ही जानो इसको फोन लेकर चले जाओ, जिसके बाद कायरव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और अपनी मम्मी को समझाने लगेगा कि आप पापा पे गुस्सा मत होइए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं ही उसको फोन करता हूँ। अब आने वाले एपिसोड में ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि क्या नायरा पता लगा पाएगी कि कायरव जिस शख्स से बातें करता है वो और कोई नहीं बल्कि कार्तिक है। वेल, क्या कुछ होगा आने वाले एपिसोड में इस बात की जानकारी लेकर लौटेंगे आपके पास। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज निज़म की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.